आप, हम केवल आपको नॉलेज दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। सर वो नॉलेज ही सर वो बहुत है सर, बहुत ज्यादा है सर। पता चला कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ कुछ तो पता था लेकिन बहुत सारा चीज पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों होता है, तो वो सर रीजनिंग पता चला पता कि चल गया, क्यों वाई होता वी डू दैट। है। जी किसी सर को जी भी सर बोलना आसान है, लेकिन उसको समझाना, कन्विंस करना इज इम्पॉसिबल। जी तो वो कन्विंस कर सर जी पाओगे सर अब आगे फ्यूचर में? जी सर जी सर आज क्या बन गए, ऑलराउंडर बन गए अभी? एमईपी, सिविल, इंटीरियर, रेट्रो फिटिंग, क्वांटिटी सर्वे, बिल्डिंग का तो किया ही किया ही, एक्सेल, जी सर जी ऑटोकैड, सर सब कुछ कमांड है इनके ऊपर। तो जी सर जी सर हाँ करना सर चाहिए स्टूडेंट को कमांड आ ज्वाइन कि गया। नहीं करना चाहिए? जी सर बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, और इतने इतने कम पैसे में इतना कुछ कोई नहीं बताएगा सर। नहीं बताएगा तो बेनिफिट मिला है 25 दिन पहले के निशमूल में और आज के निशमूल में कितना चेंज है? जी सर बहुत चेंज है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मुझे कुछ था ही नहीं, लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा है, और इसे इसको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब वो विजुअलाइज होगा आपको कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेनली है कि सर हम लोग जानते थे कि हाँ ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये सर ये ज्वाइन करने के बाद ही पता ये भी रख रहे जो हैं हमारा कोर्स को ट्रिपल सर। नाइन का कोर्स ज्वाइन किया ना, क्या सोच के ज्वाइन किया था? थ्योरेटिकल नॉलेज तो थोड़ा बहुत है सर, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए अच्छा उसके मैं बाद एक चीज नेक्स्ट पूछूं वाला आपका कौन। आपसे, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग जी किया सर था? क्या जी सर किया था सर। फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का कंक्रीट निकालने का? सर जो हाइट है उसका एक्सप्रेशन आ गया रेट्रो फिटिंग में केमिकल्स कौन सा लगता है, रेट्रो कौन सा ब्रांड का केमिकल लगता है रेट्रो फिटिंग में, रीबारिंग के लिए? सर रेट्रो रेट्रो फिटिंग में सर रीबारिंग के लिए कॉलम में सर हम यूज करते हैं RE 500, और फाउंडेशन में जो है वो हम यूज करते हैं HY 200। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर द सिविल के गुरुजी के ऑनलाइन सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स को, कैसे हमारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या है इस कोर्स को करने के बाद उनके बेनिफिट्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर द सिविल के गुरुजी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है इस कोर्स का लाइव ऑनलाइन होना, मींस हमारा हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, बीटेक है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग अभी परस्यू कर रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना चाहता है, वो घर बैठ के सीख सकता है सिविल इंजीनियरिंग को। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका कोर्स कंटेंट, कि इसमें हम लोग क्या क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे दोस्तों कि ऑटोकैड, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सेक्शन प्लान, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है ऑटोकैड और हार्ड कॉपी के अंदर, कैसे आप इनसे क्वांटिटी निकालते हैं, चाहे वो आपका सीमेंट हो, प्लास्टर हो, चाहे वो आपका शटरिंग हो, चाहे वो बिटुमिन पेंट हो, पॉलिथिन शीट हो, वाटर प्रूफिंग हो, चाहे कोई भी टाइलिंग वर्क हो, चाहे वो मार्बल वर्क हो, चाहे किसी भी तरह का जो हमारी ड्रॉइंग रिफ्लेक्ट कर रही है, जो भी आइटम, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप इनकी मेजरमेंट शीट बनाते हैं, कैसे आप बार बाइंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं, कैसे आप बीओक्यू बनाते हैं, तो ये सब कुछ दोस्तों ये एस्टिमेशन के अंदर सिखाते हैं। फिर बिलिंग की बारी आती है दोस्तों, बिलिंग में कैसे वेंडर जो है बिल बनाता है, कॉन्ट्रेक्टर का बिलिंग इंजीनियर बिल बनाता है, कैसे वो कंसल्टेंट जो है उस बिल को वेरीफाई करता है, कैसे वो क्लाइंट को सबमिट करता है और पेमेंट के लिए प्रोसेस करता है, और इसके साथ में वेरिएशन, वैल्यूएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, सीओपी, कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट जो होता है दोस्तों, टैक्स इनवॉइस, एब्स्ट्रैक्ट, ये कैसे हम लोग करते हैं, साथ में मोबिलाइजेशन एडवांस शीट कैसे बनाते हैं, मटेरियल जो है दोस्तों हम लोग जो एडवांस देते हैं उसको कैसे रिकवर करते हैं, ये सब कुछ बिलिंग में सिखाया जाता है। बिल ट्रैकर्स कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाया जाता है। साथ में सिखाया जाता है दोस्तों कि एमपीआर, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर कैसे बनाई जाती है। साथ में आपको सिखाया जाता है दोस्तों टेंडरिंग के टेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप के टेंडर होते हैं, ऑनलाइन टेंडर कैसे भरते हैं, ऑफलाइन टेंडर कैसे भरते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर सेलेक्ट जो है भर देता है, उसके बाद क्लाइंट साइड से उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, L1, L2, L3 कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया जाता है, क्या क्या वो चीजें होती है जिससे कि हम एक अच्छा वेंडर जो है ऑनबोर्ड कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, ये क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर ना केवल बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ब्रिज, सिविल इंटीरियर और रेट्रो फिटिंग के हिसाब से ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी मात्र 999 रुपए। अभी सुनिए दोस्तों, यही नहीं इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों प्लान शिफ्ट, रीबार और एपी कोड जैसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी, मींस जो कि एक सिविल इंजीनियर की स्किल्स को
पढ़ाते हैं, जो महीनों के काम होते हैं वो घंटों में मिनटों में आप कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये ड्राफ्ट में नहीं बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं आपको रियल मैनर में इंजीनियर। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ये वीडियो देख के नहीं सिखाया जा रहा है, वीडियो देख के नहीं सिखाया जा रहा है दोस्तों, ये सिखाया जा रहा है लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर, जहां पर कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सीख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग को और अपने डाउट्स को साइमल्टेनियसली उसी समय पे क्लियर करवा सकते हैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर से। सबसे चौथा पॉइंट दोस्तों कि ये कोर्स आपको दो चार साल वाले एक्सपीरियंस वाले नहीं सिखा रहे दोस्तों, ये कोर्स आपको सिखा रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल तक काम किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री में सर्व किया है, सर्विस दी है अपनी, वो आज आपको सिखा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की सारी स्किल्स को। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है दोस्तों केवल क्वांटिटी सर्वेइंग नहीं, इसमें सिखा रहे हैं हम आपको QQC, आपको प्लानिंग, सर्वे में ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, साथ में आपको सिखाए जा रहे हैं आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर, साथ में दोस्तों आपको सिखाए जा रहे हैं QQC के टेस्ट, साथ में आपको सिखाया जा रहा है जियो टेक्निकल भी। दोस्तों ये सब कुछ के साथ में दोस्तों अगला प्लस पॉइंट है हमारे इंटरनेशनल HR, जो आपको सिखाएंगे कि इंटरनेशनल लेवल का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, इंटरनेशनल का लेवल का जो है CV कैसे बनाया जाता है, ताकि एक बार क्लाइंट के नजरों में आपका CV आ जाए, आपका पोर्टफोलियो आ जाए, वो आपको कंपनी में हायर किए बिना रह ना सके, वो आपको रिजेक्ट ना कर सके। मैं आपको दिया जाता है ISO सर्टिफाइड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कोर्स है दोस्तों, इन कोर्स है सबसे लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ₹999 वर्ल्ड का दोस्तों सबसे लोएस्ट कोर्स फीस वाला सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हर कोई सीख सकता है अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपने घर बैठे अपने समय पे। दोस्तों ये लाइव क्लासेस की ट्रेनिंग यहाँ पर आज हर कोई सीख रहा है, इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट सीख रहे हैं और अपना जिंदगी जो है वो दोस्तों बना रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी स्किल्स को तो मात्र ₹999 में, तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। हाँ जी निश्मल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो निश्मल? सब बढ़िया सर। हर रोज आप बोल, हम बोलते हैं आप सुनते हो, आज आप बोलोगे और हम सुनेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं अच्छा ही सुनने के लिए मिलेगा आपसे, ठीक है? तो निश्मल आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन और अपना लोकेशन बताएंगे जरा? सर मेरा नाम मोहम्मद नसीम उलक है, मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया है और लोकेशन मेरी रांची है, झारखंड। झारखंड से बोल रहे हो? तो निश्मल आपने आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कब किया था कंप्लीट? सर 2014 में। 14 में, और आज है 22, 8 साल क्या किया आपने 8 साल? सर कुछ पहले तो कुछ साल सर तैयारी की एग्जाम्स की, उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं थी तो कॉन्ट्रेक्चुअल में जॉब सर वो ले लिया सर, घर के सामने ही था सर तो फैमिली को हेल्प करने के लिए वहाँ ले लिया सर। लेकिन सर अब वहाँ काम करते करते लग रहा है कि नहीं टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए, इसीलिए सर मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ और पढ़ाई अभी। आपने ये जो हमारा 999 का कोर्स ज्वाइन किया ना, क्या सोच के ज्वाइन किया था? सर थ्योरेटिकल नॉलेज तो थोड़ा बहुत है सर, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए क्लासेस हो चुकी है हमारी सर, 8 तारीख से क्लासेस चल रही हैं सर, अभी तक चल रही हैं सर, करीब 23-24 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना? 25 क्लासेस के करीब हो चुकी हैं, एक आधा छुट्टी रही होगी बीच में, है ना? तो क्या सीखा है निश्मल अब तक आपने? सर शुरू से हमने सीखा है कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, मतलब QS के बारे में सीखा है कि QS के तीन पार्ट होते हैं, पहली पार्ट होती है एस्टिमेशन, दूसरी पार्ट है बिलिंग, तीसरी पार्ट है टेंडरिंग। इसमें सर पहले हमने एस्टिमेशन सीखा कि एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, उसके पहले यूनिट कन्वर्जन सीखा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, उसके बाद फिर हमने एस्टिमेशन सीखा सर सब स्ट्रक्चर का और सुपर स्ट्रक्चर का। पहले सब स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि फुटिंग का, PCC का, RCC का एस्टिमेशन मतलब क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अच्छा मैं एक चीज पूछूं आपसे, ट्रैपेजॉइडल फुटिंग किया था? जी सर किया था। क्या फॉर्मूला होता है ट्रैपेजॉइडल फुटिंग का कंक्रीट निकालने का? सर जो हाइट है H/3 इनटू
नीचे वाला जो सेक्शन, मतलब दो सेक्शन रहते हैं उसके सर, एक टॉप सेक्शन और एक बॉटम सेक्शन, तो बॉटम सेक्शन का एरिया इंटू बॉटम सेक्शन का एरिया प्लस टॉप सेक्शन का एरिया प्लस अंडर रूट बॉटम सेक्शन का एरिया इंटू टॉप सेक्शन का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर का आपने सीखा, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा था, जी सर, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा सर। कैसा है, ठीक समझ बार में आया? जी सर बिल्कुल समझ में कन्फाइंड आया। जोन किसको कहते हैं? कन्फाइंड जोन सर वो होता है जिसमें कि शियर फोर्स ज्यादा होता है, और उसमें उसमें आपका ये जो क्या बोलते हैं सर, जो रिंग्स है स्पेसिंग वो होता है ज्यादा रिंग्स का होती है, स्पेसिंग स्पेसिंग, स्पेसिंग उसकी कम होती है सर, ताकि रिंग कितना ज्यादा उसमें जाता है। होता है कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस सर होता है, अगर कॉलम में देखा जाए सर तो कन्फाइंड स्पेस वो, अगर कॉलम की क्लियर स्पेसिंग एल है तो उसकी जो कन्फाइंड स्पेस वो बॉटम में रहेगी एल बाई फोर और टॉप में रहेगी एल बाई फोर। ठीक है, h/4 हाइट, जी सर। ठीक है, और बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, फिर उसके बाद क्या सीखा आपने, बिलिंग में क्या सीखा? बिलिंग में हमने सीखा है कि एब्स्ट्रैक्ट और बीओक्यू में डिफरेंस क्या होता है पहले तो, उसके बाद फिर बिलिंग में हमने सीखा है सर कि रनिंग बिल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या डिडक्शंस होते हैं, और क्या हम मोबिलाइजेशन एडवांस उसमें देते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट स्पेशली वो सीखा है सर, और उसकी कटौती कैसे करते हैं वो भी सीखा है। उसके बाद हमने सीखा है सर कि वेरिएशन क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा है सर उसमें एक्सेलेशन क्या होता है, उसके बाद हमने रिकंसलेशन के बारे में जाना है सर, उसके बाद हमने रोलिंग मार्जिन के बारे में उसमें सीखा है सर, और टैक्स इनवॉइस और परफॉर्मर इनवॉइस में डिफरेंस क्या होता है ये जाना है सर, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है सर वो जाना है। IGST, CGST, टैक्सेस के बारे में जाना ना, जी सर। ठीक है, तो और क्या सीखा आपने? और सर उसके बाद हम लोगों ने मटेरियल कंजप्शन सीखा है सर कि जैसे कि कोई भी काम है उसमें कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, उसके बाद वो निकालने के बाद फिर हम लोगों ने रेट एनालिसिस सीखा है सर, जैसे मटेरियल का कॉस्ट हो गया वो हमें मटेरियल कंजप्शन से मिल गया, और उसके बाद लेबर कॉन्स्टेंट बुक से लेबर की क्या क्या लेबर लगेगी, उसके बाद फिर उस काम में क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, जैसे वाटर चार्जेस लगता है, मिक्सर का चार्जेस लगता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट देना है वो, उसके बाद उसमें जीएसटी कितना लगना है, आईजीएसटी लगना है कि एसजीएसटी लगना है, क्या लगना है वो ऐड करके टोटल जो रेट निकलता है उस रेट का एनालिसिस सीखा है। और MEP में क्या सीखा आपने, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में सर हमने सीखा है कि उससे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रेसवे क्या होता है, केबल ट्रे क्या होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वॉल के लिए होता है, और जंक्शन बॉक्स आपका फ्लोर के लिए होता है, उसके बाद उसमें कंडक्ट्स कितने हैं, उसके बाद वन वन इनकी फोर टू इनकी फोर थ्री एस्टिमेट करना सीखा फोर। था आपने, एस्टिमेशन सीखा इनका, जी आ गया सर इनका एस्टिमेशन सीखा। जी सर इनका एस्टिमेशन आ गया। रेट्रोफिटिंग मैं, केमिकल्स कौन सा लगता है, रेट्रो कौन से ब्रांड का केमिकल लगता है रेट्रोफिटिंग में, रीबारिंग के लिए? सर रेट्रो रेट्रो फिटिंग में सर रीबारिंग के लिए कॉलम में सर हम यूज करते हैं RE500, और फाउंडेशन में जो है वो हम यूज करते हैं HY200 फील्ड टी। यस ठीक है, और ऑटोकैड में सीखा कुछ? और जी सर ऑटोकैड में कमांड सीखे बहुत सारे सर, कोर्स में कैसे हम देते हैं, और बाकी सारा सेटअप सर सीखा, इरेज कैसे करते हैं, कैसे ट्रिम करते हैं, एक्सट्रूड कैसे करते हैं, फिर बहुत सारा कमांड उसमें सर सीखा। कल सर्वे की क्लास हुई थी, सर्वे में क्या सीखा? सर्वे में सर सर्वे में हमने सीखा सर कि सर्वे कहते किसे हैं, क्यों करते हैं सर्वे, ये उसके कॉलेज बाद में भी सर पढ़ा फिर था हमने। जी आपने, सब कुछ पढ़ा होगा, सर। कल में और जी कॉलेज में सर क्या डिफरेंस था, कुछ था? कल में और कॉलेज में सर ये तो जो एक्यूरेसी से रिलेटेड जो पॉइंट था सर वो थोड़ा सा नया था सर मेरे लिए। रिवाइज किया था कल, रिवीजन समझ लो कि जी सर। रिवीजन था, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऑटो लेवल के बारे में आपने सीखा, ऑटो और लेवल के बारे में। जी सर। घाट ट्रेसर आपको दिखाया, घाट ट्रेसर क्या होता है, कैसे जी काम सर। करता है, घाट घाट ट्रेसर मैंने कॉलेज में नहीं देखा था सर, नहीं मैंने देखा था वो ऑन आपको लाइन नया देखा सीख, था सर। तो यहाँ कुछ सीखने जी के लिए सर। नया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जी सर। जी सर बिल्कुल सर, रोज नया कुछ ना कुछ तो सीखते ही है सर, भले ही मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ कुछ ना कुछ नया सर मिलता ही है सर, रोज मिलता है। नया रोज मिलता है, 25 दिन में चेंज जी नजर सर। आया अपने मंदिर में, 25 दिन पहले के निश्मूल में और आज के निश्मूल में कितना चेंज है? जी सर बहुत चेंज है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मुझे कुछ था ही नहीं सर, इसको मतलब देख देख के सर प्रैक्टिकल नॉलेज काफी बढ़ी है, और सर ये मैं देख के अगल बगल साइट में भी जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि हाँ ये चीज जो बता रहे थे ये ऐसे हो रहा है, तो अच्छा लगता है सर।
अच्छा लगता है। क्या कहना चाहोगे जो व्यूअर देख रहे हैं, देखेंगे आपको, क्या कहना चाहोगे उन स्टूडेंट को कि कैसा है हमारी लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस? लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा है, और इसे इसको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब वो विजुअलाइज होगा आपको कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेनली है कि सर हम लोग जानते थे कि हाँ ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये सर, ये ज्वाइन करने के बाद ही पता चला कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। मुझे कुछ कुछ तो पता था, लेकिन बहुत सारा चीज पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों होता है। तो वो सर पता रीजनिंग चला पता चल कि गया व्हाई जी वी डू दैट। किसी सर, को जी सर, भी बोलना आसान है लेकिन उसको समझाना, कन्विंस करना इज जी इम्पॉसिबल। तो वो कन्विंस कर सर, जी पाओगे सर, अब आगे फ्यूचर में? जी सर, जी सर, आज क्या बन गए, ऑलराउंडर बन गए अभी? एमईपी, सिविल, इंटीरियर, रेट्रो फिटिंग, क्वांटिटी सर्वे, बिल्डिंग का तो किया ही किया ही, एक्सेल, जी सर, जी ऑटोकैड, सर, सब कुछ कमांड है इनके ऊपर। तो जी सर, जी सर, करना हाँ चाहिए स्टूडेंट को कमांड आ ज्वाइन कि गया नहीं करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और इतने इतने कम पैसे में इतना कुछ कोई नहीं बताएगा सर। नहीं बताएगा तो बेनिफिट मिला है ना। जी सर, बहुत चलो, बेनिफिट मिला। हमें उम्मीद आपसे यही थी कि आप हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे, और आपने दिया भी, अच्छा लगा आपसे। ठीक है, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके माइंड में डाउट है, या जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास भी कोई जगह नहीं है। सुपर 30 का नंबर सुना होगा आपने, हम भी वही नहीं उन्हीं जी में से सर, हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम भी बनाते हैं अच्छे इंजीनियर्स को। आपको लगा यहाँ पर मेहनत करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं मेहनत करता जी है सर, उसके लिए, जो काम चोरी करेगा, जो एक्सक्यूजेस मारेगा, हमारे लिए भी उनके पास, हमारे लिए भी उनके लिए कोई जगह नहीं। हमारे पास भी, हमारे लिए भी मेहनत करने वालों के लिए जगह है, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो इंडिया में बैठा हो, चाहे इंडिया के बाहर से बैठा हो, अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है तो वी ऑल्सो डू एफर्ट्स विद दैम। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम लगती है, सब लोग मेहनत करते हैं। जितना आप पे जी करते हो सर, उसमें कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, अच्छी पूरी दुनिया जानती है, 999 रुपये में कुछ नहीं होता है। बट इतना लाखों रुपये के कोर्सेज आपको यहाँ पे सिखाए हैं, और आज उन पे आप कंफर्टेबल हो, सीख पा रहे हो, उनको जाके मार्केट में जो फील्ड है उसमें अप्लाई कर रहे हो, और खुद समझ पा रहे हो, हाँ जो मैं सीख रहा हूँ दैट इज ट्रू, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और आप सक्सेसफुल हो गए, ये हमें यकीन है, और उम्मीद करते हैं सक्सेसफुल हो गए। और जिस दिन आप हमें कुछ देने वाले नहीं हो, आप, हम केवल आपको नॉलेज दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी, सर और वो नॉलेज ही सर वो बहुत है सर, बहुत ज्यादा है सर मेरे लिए। चलो ठीक है, और क्या, ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर बाद सब मिलते हैं, जितने भी लड़के बचे हुए ना। अब पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पता है, मैं 5 बजे जाग जाता हूँ, रात के 12 बजे तक आपके साथ होता हूँ। अगर आप जी YouTube पे सर, फॉलो करते हो कि देखते हो कि कितने पोस्ट चलते रहते हैं, और उसके साथ में मैं अपना पर्सनल काम भी करता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, मैं बताना नहीं चाहता सर कि सर मुंह से कोई निकल गया सर। मैं कभी, मतलब बात नहीं, मैं देखो तबीयत मेहनत, भी बहुत भाई खराब है, लेकिन मैंने कभी मिस नहीं किया मेहनत सर करना क्लास। पड़ेगा। आप जानते हो आज जी बेशक सर, से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे होगे, लेकिन जब कोर्स करके निकलोगे ना तो लाखों में छापोगे, फिर जी जिंदगी सर, पर छापते रहोगे। हमारे जी कोर्सेज सर, के लिए नॉलेज ही लड़के, तो सर सब कुछ है सर। जी सर, हमारे कोर्स के लिए नौकरी नौकरी छोड़ के आते हैं, जी कहते सर, हैं जी सर, मालूम है उनको कि साला जो आज मैं कर रहा हूँ वो अगर मैं 1 महीने के बाद करूंगा मुझे नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं आज 1 महीना 10 दिन नौकरी छोड़ देता हूँ तो मुझे फ्यूचर में इससे दुगना मिल जाएगा, और जितना मैं आज लॉस कर जी रहा हूँ ना उसे 4 गुना मैं कमा सकता हूँ अगले 4 महीने के अंदर। तो वो मेरा एकुमुलेट जो कंपनसेट है ना वो वहाँ हो जाएगा, भले ही मैं आज छोड़ रहा हूँ, कोई सर, बात नहीं। या तो दो चीज़ें हैं, या तो मेहनत करो, या तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, एक एक रिक्वेस्ट था सर,